अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशपाश होंगे। जी हाँ, वेलकम बैक टू माय चैनल किंग फूड 700। अगर आप मेरे चैनल हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि आप नई वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो आज हम लोग बहुत ही मज़े से शवरमा बाइट्स बना रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार बनेंगे और बहुत ही झटपट बनेंगे, बहुत ही ईजी वे में बनेंगे। यहाँ पर जो मैंने उसके लिए इंग्रेडिएंट, यहाँ पर मैंने चिकन ले लिया है 600 ग्राम्स, ठीक है। उसको तरीके से वॉश कर लिया, ये बोनलेस चिकन है, ठीक है। इसको किया विनेगर, इसमें मैंने डाला था 1 टेबल स्पून और उसको लगाकर रख दिया था। अब इसके अंदर मैंने ऐड किया यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबल स्पून गार्लिक का पेस्ट, 1 टेबल स्पून जिंजर पेस्ट, 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून सॉल्ट और यहाँ मैंने 1 टीस्पून ही मैंने दड़ा मिर्च ऐड रखी है, ठीक है। इनको अब मैं क्या इस तरीके से मिक्स कर लूँगी और ये मैंने मिक्स कर लिया है, ठीक है। इनको मिक्स करने के बाद अब मैं इनको कवर कर लूँ इस तरीके से और मैरिनेशन के लिए तकरीबन 2-3 घंटे इनको मैं रख दूँगी। उसके बाद हम लोग अपने फर्दर प्रोसेस की तरफ जाएंगे। यहाँ पर मैंने इनको इस तरीके से रख दिया, अब इनको मैरिनेट कर दूँगी 2-3 घंटे। यहाँ पर जो हमने डो के मटेरियल रेडी है उसके लिए मैंने यहाँ पर बाउल ले लिया, उसके अंदर मैंने ल्यूकवॉर्म वाटर ऐड किया तकरीबन 1/2 कप, ठीक है। उसके बाद मैंने इसके अंदर ईस्ट ऐड कर दिया, ठीक है। 1.5 टेबल स्पून मैंने ईस्ट ऐड, मैंने इसमें 1 टेबल स्पून शुगर और 1 टीस्पून सॉल्ट रख देना है और इसको हमने रख देना है थोड़ी देर के लिए, तकरीबन 15 सेकेंड के लिए इसको हम लोगों ने इस छोड़ देना है और उसके बाद हम डो रेडी करेंगे। जी तो यहाँ पर मैं इसको 15 से 20 मिनट के लिए इस तरीके से कवर करके रख दिया था। अब ये देखें आप, इसे ये हो चुका है। अब मैं क्या करूँगी, मैं इसके अंदर ये देखें जी, इसके अंदर मैं अब क्या करूँगी, इसको मैंने कढ़ा है जी मिक्स, एक दफ़ा हम स्पून से मिक्स कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके राइस हो चुका है, हम लोग इसको मिक्स करने के बाद इसके अंदर अपना जो हम लोगों ने फ्लावर लिया है, मैदा लिया है, उसको हम ऐडेंगे, ठीक है। तकरीबन मैंने यहाँ पर मेयरिंग कप्स लिए हैं, ठीक है। आप लोग अपने हिसाब से अंदाजे से ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने इस तरह मेयरिंग कप से 3 कप्स ऐड कर देने हैं, मैदा ऐड कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। उसके बाद मैं इसको क्या करूँगी, हम लोग इसको गूंद लेंगे। तकरीबन मैंने पहले इस तरीके से मिक्स कर लिया ताकि हमारा जो ईस्ट है, जो सॉल्ट है, जो शुगर है, वो अच्छे तरीके से इस अंदर जो है वो मिक्स हो जाए। अब यहाँ पर मैंने यहाँ पर तकरीबन दूध लिया है, ठीक है, बिल्कुल ल्यूक वॉर्म लेना है, बहुत ठंडा नहीं लेना आपको दूध भी। मिल्क लिया है मैंने 1 कप, उसको हम लोग ऐड करेंगे और इस तरीके से हम अपने डो को गूंदते जाएंगे। हमने दूध से इसको जो है वो गूंदना है। जी हाँ, तो यहाँ पर हमारी जो डो है वो रखी है, हमने दूध से इसलिए इसको गूंदा था क्योंकि उससे बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मज़ेदार वो हमारी डो बनती है। और इस तरीके से मैंने इसमें जो है वो ऑयल ऊपर से मैंने डाल देना है तकरीबन 1 टेबल स्पून। अब मैं इसको क्या करूँगी, अब मैं इसको कवर कर दूँ, तब तक वेट करूँगी जब तक ये राइस नहीं हो जाती। इसको राइस होने में तकरीबन 40-45 मिनट्स लगेंगे और 40-45 मिनट्स के बाद देखें ये बहुत अच्छी राइस हो चुकी है, ठीक है। ये देखें जी, इस तरीके से हम लोगों ने इसको, इसकी सारे एयर जो है वो निकाल देनी है, जो बबल्स बने हैं वो अच्छे तरीके से निकाल देने हैं। अच्छा जी, तो हमारे जो डो है वो किया और अब मैंने क्या करना है, कटिंग बोर्ड ले लेना है। कटिंग बोर्ड पर हम लोगों ने मैदा को डस्ट कर लेना है, ठीक है। हम लोगों ने डस्ट करने के बाद इसको इस तरीके से सेंटर में से जो है हमने कट कर लेना है इक्वली, ठीक है। हम लोग इस तरीके से इसको सेंटर में से कट कर लेंगे। ये डो जो है वो सेंटर में से कट हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इस एक जो है वो रोटी की तरह बिल्कुल हम लोग इसको बेल लेंगे, ठीक है। बड़ी सी रोटी एक साइज़ की हम लोग बेल लेंगे, ठीक है जी। तो ये देखें मैंने इसको अच्छे तरीके से बेल लिया था, ये देखें तरीके से इतनी इसकी जो है वो इतना मोटा होना चाहिए और इतना ही जो है वो बड़ा। तो आप लोग अब क्या करेंगे, एक फोक की हेल्प से हम लोग के अंदर इस तरीके से छोटे छोटे से फोक जब हम करेंगे तो इसके अंदर छोटे छोटे से सुराख हो जाएंगे और वो बहुत ज़्यादा जो है वो फूलेगी नहीं, ठीक। वो एक उसके अंदर के जो एयर होगी जो बबल्स होंगे वो निकल जाएंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। हम लोग इस तरीके से, हम लोगों ने किसी भी, आप जो है वो कटर से कर सकते हैं। मेरा जो है वो नहीं मिल रहा था तो जैसे मैंने इसको इस तरीके से जो है इसे कट कर लिया था, ठीक है। इस तरीके से इनको मैंने छोटा छोटा गोल गोल मज़ेदार से शवरमा बाइट्स के लिए डो रेडी कर ली थी। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, हमने इसको कवर कर देना हीट लगा कर। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मैंने पैन लिया, पैन लेने के बाद तकरीबन 2 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल ले लिया था, ठीक है। उसके अंदर मैंने ये जो मैंने मैरिनेटेड चिकन था वो ऐड कर दिया। इसको हम सॉटे करेंगे, ठीक है। हम लोगों ने इसको थोड़ा सा कुक करना है, ठीक है, सा गोल्डन सा ब्राउन कर लेना है, ठीक है। और गोल्डन ब्राउन करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही ये थोड़ा सा लाइट सा जो चिकन का कलर चेंज हो जाएगा उसके अंदर हम तकरीबन 1/2 कप पानी ऐड कर देंगे और उसको हम कवर करके रख देंगे ताकि हमारा चिकन जो है वो अच्छे तरीके से रेडी हो जाए। यहाँ पर तकरीबन चिकन जो है वो 1/2 कप हो चुका है। अब मैं इसके अंदर क्या करूँगी, थोड़ा सा वाटर ऐड कर दूँगी और इसको कवर कर दूँगी। इस तरीके से मिक्स करने के बाद अब मैं इसको कवर कर दूँगी तकरीबन 7 से 8 मिनट, ठीक है। हमने कवर कर दिया।
जी अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर जो इसका सॉस बनाना है ठीक है, वो ने यहाँ पर उसके लिए मेयोनीज ले लिया था तकरीबन 3 टेबल स्पून। उसके बाद मैंने यहाँ पर पिज्जा सॉस लिया 2 से 3 टेबल स्पून, और उसके अंदर एक और सॉस मिलता है सिरची सॉस के नेम से, अगर आपके पास वो अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं तो सॉस या कोई भी आम केचप डाल सकते हैं, चिली गार्लिक सॉस डाल सकते हैं, कुछ भी। हम लोगों ने इसको मिक्स कर दिया था, और यहाँ पर मैंने क्या किया, जो डो के मैंने बनाए थे यहाँ पर मिनी बाइट्स के, इनको मैंने जो है वो एक पैन ले लिया, कुछ भी आप ले सकते हैं, हम लोग इस तरीके कुक कर लेंगे। ये तकरीबन 2 से 3 मिनट के अंदर एक जो है ये इस तरीके से रेडी हो जाएगी, ठीक है, ये हमारी जो है वो रेडी हो चुकी है। अब मैं क्या करूँगी, इस तरीके से तमाम को रेडी कर लिया हम लोगों ने, ये देखें जी सारे जो हमारे डो के जो हमारे मिनी बाइट्स के लिए में की जो हमारी ब्रेड थी वो रेडी हो गई है। अब मैंने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर मैंने इस तरीके से ले लिया, और हम इसके ऊपर अब सॉस लगाएंगे, और चिकन लोग पहले सॉस ऐड कर देंगे। ये देखें इस तरीके से मैंने जो हम लोगों ने सॉस बनाई थी मिनी शवरमा की, वो मैंने चिकन के अंदर मिक्स कर दी, और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा सैलड ले लिया था जिसमें ककंबर था, जिसमें अनियन थे, और जिसमें टमेटोज थे, और भी थोड़ी सी मैंने जो है वो ये देखें इस तरीके से मैंने थोड़ी सी सैलड ऐड कर देनी है, और थोड़ा सा जो है वो चिकन का इस तरीके से ऐड चिकन का मटेरियल ऐड कर देना है जी। तो मैंने इस तरीके से तमाम शवरमा बाइट्स जो है वो रेडी कर ली थी, ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनेगी, इट लुक्स फैब, और ये बहुत ही मज़ेदार है, और इसका टेस्ट उतना ही मज़ेदार होगा, ज़रूर ट्राई कीजिए इस रेसिपी को, और मुझे अपने रिमार्क्स देना मत भूलिए, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अपने घर वालों को ये बाइट्स जो हैं वो बनाकर ज़रूर खिलाएं, और बहुत सारी तारीफों के फूल समेटें। अच्छा जी, और ये बहुत ही मज़ेदार बनेगा, और बच्चों के जो लंच बॉक्सेस हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है, आप बच्चों को स्कूल गोइंग बच्चों के लिए बना सकते हैं, ये आप लोग वैसे मिनी बाइट्स बना सकते हैं, आप लोग स्नैक्स के तौर पर खा सकते हैं, ये बहुत ही मज़ेदार है, और बहुत ही छोटे साइज़ में है, तो इसलिए बहुत मज़ेदार। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।